साथ में वीर सिंह चौहान जी, सुबेदार वीर सिंह चौहान जी। सुबेदार वीर सिंह जी, जंतर मंतर पे आने का क्या विशेष कारण? सर, जंतर मंतर पर जिस प्रकार से आज ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक नारा लगा है और उसी के तहत पूरे देश भर भर देश के कोने कोने से लोग आए हैं और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं और मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार से देश के क्रांतिकारी लोग आज खड़े हो चुके हैं तो आने वाले चुनाव में इस मशीन को हम हटा के ही रहेंगे। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा दोबारा इस देश में हम बैठने वाले नहीं हैं। सर्वजन आवाज़ पार्टी आपकी पार्टी अपनी है तो क्या जरूरत पड़ेगी फौजियों को अपनी पार्टी बनानी पड़ी? देखिए साहब, जिस प्रकार से आज देश की बागडोर गुंडे लोगों के हाथों में चली गई, हम पूरी जवानी देश की सीमाओं पर लगा के आते हैं। हम तो गरीब और किसान मजदूर के बेटे होते हैं और वहाँ जा करके पूरी जिंदगी 30-30 साल देश की सीमाओं पर अपनी जान की कुर्बानी देके इस देश की रक्षा करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के जवानों की भलाई बलि चढ़ाई जाती है और बलि चढ़ा करके देश के चुनाव का माहौल बनाया जाता है, ये कैसे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा मेरे अपने पूरे देश के लोगों को, उन सच्चे लोगों को, आइए हम सब मिल करके अपने एक नए भारत का निर्माण करें और देश को इन गुंडी ताकतों से बचाएं। आपकी पार्टी के अंदर कितने फौजी हैं और कितने फौजियों का समर्थन आपकी पार्टी को मिल रहा है? हमारे पार्टी को लगभग 60% देश के जो पूर्व सैनिक हैं उनका समर्थन मिल रहा है। कुछ सैनिक भाई हमारे जो कि अलग अलग पार्टियों में बड़ी पार्टी होने के नाते अपना राजनीतिक जो है भविष्य तलाश रहे हैं, मैं उन सभी से भी अपना एक छोटा सा विनती करना चाहूँगा, प्यारे सैनिक भाइयों, आप लोगों में जो क्षमता है वो नेताओं में नहीं हो सकती। आप देश का वाकई भला कर सकते हैं, आप वाकई देश की सेवा कर सकते हैं, इसलिए आप उन पार्टियों में जा करके इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सैनिक हैं जो उन पार्टियों में पहले से मंत्री पद पर बैठे हैं और MLA MP बन के बैठे हैं, लेकिन उनकी कतई नहीं चलती क्योंकि पार्टी का एक लाइन होती है, उस लाइन से हटकर के कोई अपनी बात नहीं रख सकता। इसलिए आप उन पार्टियों में जा करके इस देश की भलाई का काम नहीं कर सकते। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आइए हम सब मिल करके इस देश का भविष्य अपने हाथों में लें, इस देश को बचाएं और इस देश की आज वाकई ज़रूरत है कि इस देश की बागडोर सच्चे और देशभक्तों के हाथों में होनी चाहिए। सर्वजन आवाज़ पार्टी का एक नारा है BJP भगाओ देश बचाओ, तो 2022 के अंदर आप किस तरीके से ये नारे को और मजबूत करेंगे? हमारा स्पेशली कोई BJP के खिलाफ नहीं है, ये सारी जितनी पार्टियां जिन्होंने देश का दोहन किया है, देश को लूटा है, उन सभी के खिलाफ हमारा नारा है। जो देश के गुंडे और देश के भ्रष्टाचारी नेता हैं, आज उनके घरों में जाके देखिए पूरे देश में पैसे की नदियां बह रही हैं। आज गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। देश के अंदर जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, जैसे रेलवे लगा लीजिए, BSNL लगा लीजिए, एयरपोर्ट लगा लीजिए, उन सारी की सारी इन ऐसे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया जा रहा है और उन सारे के सारे जो कर्मचारी वहाँ पर नौकरी करें उनका भविष्य आज अंधेर में है। इसमें सभी से देशवासियों से अपील करूँगा कि ऐसी सरकारें जो कि प्राइवेट लोगों के हाथों में देश को बेचने जा रही है, उन सरकारों से इस देश को बचाएं और सब मिलकर के इस देश के लिए एक लड़ाई लड़ें। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।